नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। म्यूजिक गॉडलीवुड यूट्यूब चैनल के हुए 2 साल पूरे, 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और 237 मिलियन व्यूज का मुकाम किया हासिल। भुवनेश्वर के KIIT कॉलेज में गीता का आधार जीवन का सार पर चर्चा। बीके उषा ने जीवन में वैल्यूज के आधार पर आगे बढ़ने का दिया मंत्र। आंध्र प्रदेश के एलुरु में तेलुगु कैथोलिक यूथ मूवमेंट का 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम। बीके लावण्या को विशेष निमंत्रण। अब खबरें विस्तार से। बुद्धि के तार प्रभु से जोड़ने का सहज माध्यम है म्यूजिक गॉडलीवुड चैनल। इसमें प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को दर्शक काफी पसंद करते हैं। ये उसके 2 सालों का सफर बोलता है, क्योंकि इन 2 सालों में म्यूजिक गॉडलीवुड के 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर, 237 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि म्यूजिक गॉडलीवुड की शुरुआत ही बाप दादा की राइट हैंड दादियों के आशीर्वाद और इस ईश्वरीय यज्ञ के बड़े भाइयों के मार्गदर्शन से जो हुई है। यह बड़े हर्ष की बात है, जो आप ये गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा म्यूजिक चैनल लॉन्च हो रहा है। बाबा ने कई बार मुरलियों में भी कहा है, गीतों द्वारा सबको रिफ्रेश करते रहूं, ताकि सबके पास ये संदेश पहुंच जाए। ब्राह्मण परिवार की तरफ से हमारी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। गॉडलीवुड स्टूडियो में हम एक म्यूजिक चैनल शुरू कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ India's ancient music। इतना बड़ा स्टूडियो, इतना अच्छा स्टूडियो इस कार्यक्रम के बगैर अधूरा था। अब मुझे लगता है कि अब उसकी पूर्ति हो रही है। बहुत बहुत हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो कम से कम जो ही ये शुरू होगा तो एक गीत भी सुन लेंगे या एक गीत भी रोज़ लगा लिया करेंगे, तो आप देखेंगे कि बिना कौड़ी खर्चे समय भी अच्छा व्यतीत होगा और उसमें आत्मा उड़ान भी भरेगी। म्यूजिक गॉडलीवुड में दिखाए जाने वाले विविध प्रकार के संगीतों के साथ आपकी फरमाइश। गॉडलीवुड के तराने यादों के झरोकों से भूले बिसरे गीत को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दिनों दिन म्यूजिक गॉडलीवुड यूट्यूब चैनल ऐसे ही मुकामों को हासिल करता ही जाएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी का ईश्वरी सेवाओं के चलते कुछ दिनों के लिए उड़ीसा जाना हुआ। उनके पहुंचने पर उड़ीसा के कटक, टमटी और भुवनेश्वर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी झलकियां अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली खबर कटक की, जहां बीके उषा दीदी के पहुंचने पर कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश दीदी ने उनका भव्य स्वागत किया। बहुत मिलनसार है, ये उनका नहीं है, छोटा बड़ा बराबर का सबके साथ बहुत प्यार से मिलना और अनेक दैवी गुणों से और शक्तियों से भरपूर है। इस दौरान एक ऑनलाइन प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें उषा दीदी ने वर्तमान समय के माहौल का जिक्र किया और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई। फरिश्ता यहाँ ही बनना है, अब जो पाठ आरम्भ हुआ है, जैसे कहा ब्राह्मण पने का पाठ समाप्त हुआ, अब फरिश्ता पने का पाठ आरंभ हुआ है। क्योंकि जो यहां फरिश्ता बनेगा वही सो देवता घराने में जाएगा। अब खबर ईटामटी की, जहां बीके उषा दीदी ने नव निर्मित प्रभु वरदानी भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर भव्य समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें विधायक डॉक्टर अरविंदा डाली, प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा, ईटामटी कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक नायक, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बी के लीना, ईटामटी सेवा केंद्र प्रभारी बी के सस्मिता मुख्य रूप से मौजूद रहे।
कार्यक्रम में बीके उषा ने प्रभु वरदानी भवन से ईश्वरी सेवाओं के विस्तार की शुभकामनाएं व्यक्त की। और अब खबर भुवनेश्वर की, जहां पटिया सेवा केंद्र द्वारा KIIT ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा का विषय रहा जीवन का आधार गीता का सार, जिस पर बीके उषा ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हमें सफलता पाने के लिए वैल्यूज के आधार पर आगे बढ़ना है, यही गीता हमें सिखाती है। जीवन का संघर्ष सहज करना है तो वैल्यूज का आधार लेकर के चलेंगे, ये गीता हमें सिखाती है। जीवन का आधार गीता का सार। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान KIIT की वाइस चांसलर प्रोफेसर सस्मिता सामंत, गोबंधु अकेडमी के जॉइंट डायरेक्टर कानन बाला नायक, ESIC के रीजनल डायरेक्टर पार्था सारथी पांडा, IOCL के जनरल मैनेजर संजय महापात्रा, भुवनेश्वर सबजोन प्रभारी बीके लीना, पटिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलाब उपस्थित रहे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आगाज हुआ था। उसी अभियान के तहत यातायात पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित बघेल, उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू भी शामिल हुए। टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त बनने के लिए विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात कही। आंतरिक खुशी हमारी जैसे कहीं गायब होती जा रही, तो वो खुशी बनी रहे इसके लिए विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत 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 जरूरी, और विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव थॉट और मेडिटेशन से बेहतर कोई उपाय नहीं। कार्यक्रम के अंत में DSP और ASP ने कार्यशाला की सराहना करते हुए बीके मंजू दीदी की बातों का पालन करने की बात कही। आज वचन लेते हैं कि अपने जीवन में इसको पालन करेंगे और अपने यातायात संबंधी कार्यों का प्रभाव में इसका प्रभाव दिखे, इससे हम यातायात को सुगम बना सके, क्योंकि आज इस आयोजन में मूल थीम संकल्प। ऐसे ही हसदेव वन की अंधाधुन कटाई को लेकर भी बिलासपुर में हसदेव बचाओ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीके मंजू ने राजकिशोर नगर सेवा केंद्र के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता फैलाई। आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में तेलुगु कैथोलिक यूथ मूवमेंट के 9वें रीजनल यूथ कन्वेंशन में ब्रह्मकुमारी संस्था में एलुरु की प्रभारी बीके लावण्या को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। यह समारोह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तेलुगु कैथोलिक यूथ मूवमेंट का था, जिसमें नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज और फार्मा कॉलेज से जुड़े 1500 से भी अधिक युवाओं का बीके लावण्या ने डिजाइन योर डेस्टिनी विषय पर मार्गदर्शन किया। इस भव्य समारोह के दौरान श्री 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 जयराम पालीमर, एलुरु के बिशप प्रिंस फादर बाला और कई नामी ग्रामी फादर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में बीके लावण्या का मोमेंटो और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। अब कुछ खबरें एक नजर में। यूपी के आगरा में लगे हुनर हाट मेले का केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। आगरा आर्ट गैलरी म्यूजियम की प्रभारी बीके मधु, बीके कमला और बीके माला और बीके संगीता ने की मुलाकात और भेंट किया मोमेंटो। बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, सांसद हरिद्वार दुबे भी रहे उपस्थित। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर विश्व की सबसे कम उम्र की क्लाइंबर चंचल सोनी और रजनी जोशी का आगमन। दिव्यांग होने के बाद भी चंचल सोनी और रजनी जोशी ने 5,364 मीटर की चढ़ाई मात्र 10 दिनों में चढ़कर बनाया है विश्व रिकॉर्ड। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने विजय का तिलक लगाकर किया दोनों का सम्मान। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन लाल वानी ने चंचल सोनी को लिया है गोद, आजीवन पालना करने की उठाई जिम्मेवारी। चंडीगढ़ सेक्टर 48 स्थित सीमा सड़क संगठन कार्यालय में आयोजित हुआ 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स। 35 जवानों ने प्रतिदिन सीखा राजयोग मेडिटेशन करने का तरीका। कमेंट्री द्वारा बीके बहनों ने कराया राजयोग का अभ्यास। सभी अधिकारी कार्यक्रम से हुए बहुत ही प्रभावित। अजमेर के इनर पीस मेडिटेशन सेंटर पर लगा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं जांच शिविर। आदर्श सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश पोरवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी समेत कई चिकित्सकों ने किया शिविर का शुभारंभ।
200 से अधिक लोगों ने लिया शिविर का लाभ। जबलपुर के शिव स्मृति भवन में विश्व परिवार दिवस पर स्नेह मिलन। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने कहा कि आज के समय में पारिवारिक एकता के लिए ऐसे कार्यक्रमों की सख्त जरूरत। सेवा केंद्र प्रभारी बी के भावना ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही 140 देशों में ब्रह्म कुमारी इसके सदस्य परिवार भाव से रह रहे हैं। अन्य कई अतिथियों ने भी कार्यक्रम को बताया लाभकारी। हरियाणा कादमा के झोझो कला सेवा केंद्र पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर। चिकित्सकों ने 75 लोगों की करी जांच, आंखों की देखभाल के लिए दिए उपाय। सेवा केंद्र प्रभारी बी के वसुधा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ शिविर। कोलकाता के कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए बीइंग फियरलेस विषय पर वर्कशॉप। 18 से 35 वर्ष आयु के लोगों के लिए थी वर्कशॉप। 40 लोग ऑनलाइन भी जुड़े इस कार्यशाला से। एजुकेशन विंग के कार्यकारी सदस्य बी के सुप्रिया भी ऑनलाइन जुड़ी इस वर्कशॉप से। फियर को उन्होंने एक इल्यूजन बताया और इसे बचने के लिए सेल्फ अवेयर रहने की बात कही। वर्कशॉप के अंत में बी के आशा ने कॉमेंट्री द्वारा कराया मेडिटेशन। बिहार के मधेपुरा स्थित साहूगढ़ में स्नेह मिलन का आयोजन। मधेपुरा की प्रभारी बी के रंजू दीदी को विशेष निमंत्रण। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक नरेश कुमार एवं प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ सह राष्ट्रीय जनता दल नेत्री रागिनी रानी के निवास स्थान पर आयोजित रहा स्नेह मिलन। बी के रंजू ने जीवन में सच्ची सुख शांति पाने के लिए अपनी बुराइयों को प्रभु अर्पण करने की कही बात। कार्यक्रम के अंत में बी के रंजू ने फहराया शिव ध्वज। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।